दोस्तों ये है रेनो डस्टर और आज हम देखने वाले हैं इसी रेनो डस्टर की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को। सो हे गाइज, माई नेम इज बिट्टू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ये गाड़ी इंडिया में 4 जुलाई 2012 में लॉन्च हुई थी। 2019 के एंड तक ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती थी और उसके बाद BS6 नॉर्म्स के चलते डीजल इंजन के साथ ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। दोस्तों जब ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ आती थी तब इसे ऑफ रोड पे ले जाने में अलग ही एडवेंचर मिलता था। जैसे कि यहाँ पर हैवी स्लश वाले इस ऑब्स्टिकल में से डस्टर थोड़े से स्ट्रगल के बाद आसानी से निकल जाती है। अगर यहाँ पर टू व्हील ड्राइव होती तो शायद नहीं निकल पाती। प्रेजेंट टाइम में हमें डस्टर में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जैसे दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसकी एक शोरूम प्राइस 9.72 लाख से शुरू होकर 14.12 लाख तक जाती है। रेनो डस्टर में हमें 205 mm की बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग के मामले में गाड़ी वाकई में कमाल की परफॉर्मेंस देती है। रेनो डस्टर में 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो फोर्ड इकोस्पोर्ट से भी 5 mm ज़्यादा है और उसी वजह से ये गाड़ी डीप वाटर या स्लश वाले टेरेन को आसानी से टेकल कर लेती है। जैसे कि यहाँ पर डीप वाटर को ये गाड़ी आसानी से क्रॉस कर लेती है। इसी तरह स्लश वाले रास्ते में कहीं पे भी ये अटकती नहीं है। अब ये वाली वीडियो मेरी ऑल टाइम फेवरेट वीडियो है, जहाँ पे एक डस्टर के ओनर धूल और मिट्टी से भरे एक खेत में ड्रिफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। अगर लुक्स की बात आती है तो मुझे पर्सनली इस गाड़ी की बॉक्सी डिज़ाइन बहुत ही पसंद है। लंबा सा बोनेट, बॉक्सी डिज़ाइन और स्टाइलिश रूफ रेल्स इसे प्रॉपर एसयूवी लुक्स देते हैं। दोस्तों आपको इस गाड़ी का लुक्स कैसा लगता है वो कमेंट करके ज़रूर कहें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।